से हमारी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है क्योंकि हम सीज़न स्टार्ट होते ही हम लोग अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया था। मैं जैसे आपको बताया हमारा प्रिपरेशन जो है काफ़ी पहले से जारी को सक्सेसफुल करने में आपने खिदमत अंजाम दिए हैं। मैं अपनी तरफ से अपनी टीम की तरफ से जुबली ग्रीन की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं आपको वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छे मतलब उनको उसका नाम है तारीख का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी बी एस एल कैप्टन कॉर्नर के साथ बशीर आज़मी आपके खिदमत में हाजिर हैं और आज जी बी एस एल का ओपनिंग मैच है। पहला मैच जुबली ग्रीन ब मुकाबला जुबली रेड के माबेन खेला जा रहा है और मेरे साथ इस वक्त जुबली ग्रीन के कप्तान और जुबली रेड के कप्तान शेरुल्लाह साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अंसार नाम है मेरा। जी अंसार भाई, आज आप लोगों का पहला मैच है, ओपनिंग मैच है जी बी एस एल सीजन 13/2024 का, तो आप लोगों की क्या प्लानिंग है मैच के आज? बशीर भाई, जी बी एस एल सीज़न 12 में भी हमने पार्टिसिपेट किया था जुबली ग्रीन और जुबली रेड टीम दोनों, तो माशाल्लाह पिछले साल के टूर्नामेंट में हम दोनों टीमों ने सेमीफाइनल खेला और अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल में हम हार गए थे, तो उसी तरह से हम इस दफ़ा भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज ए जुबली ग्रीन और जुबली रेड टीम। तो माशाल्लाह से हमारी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है क्योंकि हम सीज़न स्टार्ट होते ही हम लोग अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया था और स्पेशली अपना टीम कम्बिनेशन जो है इस टूर्नामेंट के लिए हमने बनाया हुआ है, तो इंशाल्लाह काफ़ी नए फेस नज़र आ रहे हैं टीम में, तो माशाल्लाह क्या आपकी प्रिपरेशन ऐसे ज़बरदस्त लग रहे हैं, शायद अच्छा मैच हमारे नाज़रीन को देखने को मिलेगा। बिल्कुल बशीर भाई, मैं जैसे आपको बताया हमारा प्रिपरेशन जो है काफ़ी पहले से जारी था, सीज़न के स्टार्ट से ही हमने कुछ लड़कों को हमने उन पे फोकस किया और उस हिसाब से स्पेशली इस टूर्नामेंट के लिए हमने उनको रेडी किया। अच्छा, शेरुल्लाह को इस ग्राउंड में तारीफ, पिछले 3-4 सालों से खेल रहे का, काफ़ी एक्सपीरियंस है इस ग्राउंड का, पिच का उसको अंदाज़ा है, तो आप इनकी टीम को टफ टाइम देंगे शायद? जी बिल्कुल, शेरुल्लाह भाई जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो जी बी एस एल काफ़ी पहले से खेल रहे हैं, तकरीबन तमाम सीज़न सारे सीज़न उसने खेले हैं, लेकिन हम भी एक साल हमने भी खेला तो पिच का और क्राउड का अंदाज़ा हो गया, तो हमारी भी प्रिपरेशन अच्छी है, तो उसी तरह से टफ टाइम देंगे। बेस्ट ऑफ लक। जी शेरुल्लाह भाई, इसके मैच के बारे में आपकी क्या प्रिपरेशन है और आपकी टीम की आपकी स्टैंड क्या है, ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले जी वी टी न्यूज़ और जितने भी हमारे भाई हैं जिन्होंने यहाँ टूर्नामेंट को सक्सेसफुल करने में अपने खिदमत अंजाम दिए हैं, मैं अपनी तरफ से अपनी टीम की तरफ से जुबली ग्रीन की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक और मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ऐसे टूर्नामेंट आगे जारी रहेंगे। दूसरी बात, जहाँ तक टूर्नामेंट की बात है, तो लास्ट ईयर जैसे अंसार भाई ने कहा बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा, हमने बहुत इंजॉय किया, अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल में हमारी दोनों टीमें बाहर हो गई थी, तो इस बार प्रिपरेशन अच्छी है और जहाँ तक कल हम बैठे थे 7 ड्रॉस के लिए दूसरी टीमें भी माशाल्लाह से अच्छी बनी है और उम्मीद करता हूँ कि अच्छा टूर्नामेंट होगा इंशाल्लाह और हम सब इंजॉय करेंगे। अच्छा, जुबली ग्रीन का कैप्टन का तारिक इस दफ़ा आई थिंक मैच में जो टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर रहे कुछ इश्यूज़ की वजह से, आज वो पाकिस्तान में है, तो आप उससे फ़ायदा उठा लेंगे? बिल्कुल तारिक भाई, आपको वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छे मतलब उसका नाम है तारिक का जी जी। और नो डाउट हमारे पास चंद एक नए लड़के आए हैं, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि तारिक का हमें कभी महसूस नहीं होने देंगे, तो क्रिकेट बाय चांस है, चला तो फिर चांद तक, नहीं चला तो फिर शाम तक वाली बात है इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक शेरुल्लाह भाई, थैंक यू सो मच, वंस अगेन थैंक यू सो मच, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप जीबी ट्रू न्यूज HD को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके।